ब्रॉट टू यू बाय टेक्नो स्पार्क 20 सीरीज स्मार्टफोन्स। आज इंडिया गठबंधन की तरफ से कांग्रेस पार्टी ने जो मुझे प्रत्याशी बनाया चूरू लोकसभा क्षेत्र का, आज हमने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और अब हम एक आम सभा को संबोधित करने जा रहे हैं। बहुत अच्छा जोश है गाँव के अंदर, पूरी टीम के अंदर। हमारे सीपीएम के विधायक, पूर्व विधायकन भाई बलवान जी भी हैं और मलेलिया साहब और हमारे अनिल शर्मा जी और अमित चाचान साहब, सभी हमारे विधायकगण, बुढ़ानिया जी, कृष्णा जी और पूसाराम जी, सभी लोग पधारे हैं। पूरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर हर तहसील हेडक्वार्टर पे जाकर हमने इंडिया गठबंधन का और साथ में कांग्रेस पार्टी सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करी। मनोज जी भाई साहब हमारे सुजानगढ़ से, सबका अपना बड़ा अच्छा, बहुत बढ़िया एक माहौल बना और बहुत बढ़िया लोगों में जोश है और हमें उम्मीद है कि बहुत अच्छा चुनाव हम लड़ने जा रहे हैं और अच्छा चुनाव लड़के कांग्रेस को ऐसे जीत दिलाने का काम करें। लोकसभा का जो चुनाव लड़ा जाएगा, किन मुद्दों के ऊपर लड़ा जाएगा? देखिए मुद्दे बहुत हैं, 10 साल का एक अच्छा बेहतरीन कार्यकाल रहा है, विकास के पथ पर चले हैं। कुछ सामंतवादी सोच के लोग जो पार्टियों पर हावी हो गए हैं और उन्हें पार्टियों के अंदर अपना जो सोच है, जो उनकी विचार रही है हमेशा लोगों के ऊपर अपना राज करने की जो विचार बना रखा है और जनता से बड़े बन गए हैं, वो उन लोगों को जनता जवाब देने का काम करेगी। जिस तरीके से आज प्रजातंत्र के अंदर हत्या करी गई ऐसे लोगों के सोच के बारे में, ये चुनाव जिसलिए हम करते हैं उस व्यक्ति विशेष के खिलाफ बहुत बड़ा चुनाव बनेगा ये। साथ ही साथ जो एक नीतियां बन गई हैं सरकार की, एक आम आदमी, हमारा दलित समाज है, हमारे अल्पसंख्यक है, जो एक डर के माहौल में जी रहे हैं, बहुत से अनेक मुद्दे हैं जिनको लेकर पब्लिक के बीच में जाएंगे। किसानों के मुद्दों को लेकर पब्लिक के बीच में जाएंगे, युवाओं के मुद्दों के बीच में पब्लिक के बीच में जाएंगे और एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं और बड़ा पॉजिटिव माहौल रहेगा। मुझे उम्मीद है कि इस चुनाव के अंदर जनता की बहुत अच्छी जागृति है, एक जोश भरा हुआ है और पॉजिटिव रिजल्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। आज क्या कार्यक्रम रहेगा? बहुत बढ़िया सभा है कि आज पूरे लोकसभा क्षेत्र के हमारे जो परिवारजन हैं, सब हमारे परिवार रूपी जिसको हम बोलते आए हैं, वो सब हमारे अपना आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं। हमारे अध्यक्ष महोदय डोटासरा साहब और पूर्व सीएम अशोक गहलोत साहब, टीकाराम जुली साहब, सभी हमारे बड़े नेतृत्व आज पहुंच रहे हैं और बहुत अच्छी भीड़ होगी और जनता का एक अच्छा पब्लिक रैली करने जा रहे हैं और उम्मीद है अच्छा एक मैसेज जाएगा और अच्छी शुरुआत आज से हमारा चुनाव शुरू हो जाएगा। हम इसी मकसद के साथ आज लग रहे हैं और कल से गाँव के टूर हमारे बादरा बलवान भाई साहब के समक्ष हम शुरू करेंगे, उसके बाद सुजानगढ़ में हमारा शुरुआत पूरे जिले की कर देंगे। सर अब तक व्यक्ति विशेष शब्द यूज में लिया, नाम कब बताएंगे? काको ने पता है कि नाम क्यों लेना मानना कौन करो बताओ काको पूछ लो कौन करो मानते बताओ सर व्यक्ति विशेष के अलावा आप पार्टी को लेकर भाजपा को लेकर अब तक कोई आपने नहीं दिया है कोई? देखिए वक्त हर चीज का समय होता है, मेरा एक मैंने कभी भी इस बात को नहीं बदला। मेरा एक बीता हुआ समय, एक मैं जिस पार्टी में रहा हूँ, मैं किसी को बुराई करके नहीं, हम नीति पर बात करेंगे और कई लोगों के मन में हम नेगेटिव पॉलिटिक्स कभी न करीब करी पहले, न कभी आज करी है, आगे भी नहीं करेंगे। नीतियों की बात जरूर है, आज कुछ मुद्दे अलग हैं, मुद्दों पर चर्चा चुनाव के समय जरूर की जाएगी।